हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनी यादव और आज हम बात करेंगे एमसीडी प्राइमरी के सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि एमसीडी प्राइमरी, जिसका पोस्ट कोड 16/17 है, का एग्ज़ाम 2018 में हुआ था। 4 शिफ्ट 4 दिनों में एग्ज़ाम था और ऑनलाइन एग्ज़ाम था, ठीक है। तो इस एमसीडी प्राइमरी 16/17 की अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस आया है, जिसमें 780 बच्चों को ई डोजियर फिल करने के लिए सेलेक्ट किया गया है। तो हम कट ऑफ और कैटेगरी वाइज कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, ये है रिजल्ट नोटिस। आप देख सकते हैं कि आज का नोटिस है ये, और टोटल 780 जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें सेलेक्ट किए गए हैं, जिसमें यूआर के 269 हैं। और अब हम देख लेते हैं फिर भी कि कट ऑफ कितनी है और कैटेगरी वाइज कितने पे गई है कट ऑफ। तो देखिए, अगर हम यूआर की बात करें तो यूआर की कट ऑफ 123.04 पर गई है, ओबीसी की कट ऑफ 108.48 पे गई है, एससी की कट ऑफ 101.93 पे गई है, एसटी की कट ऑफ 68.40 पे गई है, पीएच ओएच की कट ऑफ 90.95 पे गई है, और पीएच पीएच की कट ऑफ है 60.98। तो कट ऑफ अगर हम पहले से कंपैरिजन में देखें तो काफ़ी कम हुई है। जैसे अगर जो फर्स्ट टाइम रिजल्ट आया था जब प्राइमरी एमसीडी प्राइमरी का, तो यूआर की कट ऑफ लगभग 125 समथिंग पे थी, लगभग 126 के आसपास जा रही थी। ओबीसी कट ऑफ की कट ऑफ भी लगभग 111-112 के आसपास थी। तो कट ऑफ में काफ़ी गिरावट आपको देखने को मिली है और काफ़ी सारे बच्चों को मौका भी दिया गया है। अब हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि कितने बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। तो देखिए, यूआर कैटेगरी में 251 बच्चों को ई डोजियर फिल करने के लिए सेलेक्ट किया गया है। और अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में 251 कैंडिडेट्स को ई डोजियर फिल करने के लिए सेलेक्ट किया गया है, जिसमें 229 कैंडिडेट्स प्लस 22। ये 22 का क्या मतलब है कि इन बच्चों के जो सर्टिफिकेट्स में या मार्कशीट में कुछ प्रॉब्लम है। ये देखिए, जो 22 कैंडिडेट्स हैं ओबीसी कैटेगरी के, किसी के सर्टिफिकेट्स में प्रॉब्लम है, किसी के ओबीसी सर्टिफिकेट में, किसी की मार्कशीट में, किसी ने हरियाणा से क्वालिफिकेशन ली है लेकिन दिल्ली का सर्टिफिकेट है, तो इनकी वेरिफिकेशन होनी है, इसलिए इस पर स्टार लगा हुआ है। साथ ही अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में 116 कैंडिडेट्स को ई डोजियर फिल करने के लिए सेलेक्ट किया गया है। और एसटी कैटेगरी में 141 कैंडिडेट्स को ई डोजियर फिल करने के लिए सेलेक्ट किया गया है। साथ ही ई डोजियर का लिंक आप का ओपन होने की डेट देख लें, ई डोजियर आपको टाइम से फिल करना है। आप ध्यान रखें, ई डोजियर फिल करने के लिए आप लास्ट डेट के चक्कर में ना रहें, अपना टाइम से ई डोजियर फिल करें ताकि आपका सब कुछ ठीक से हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे लास्ट डेट के चक्कर में रहते हैं कि लास्ट डेट में हम ई डोजर फिल करेंगे, और इस चक्कर में साइट बिजी हो जाती है, कई बार बच्चे ई डोजर नहीं भर पाते हैं। इस चक्कर में रिजेक्शन नोटिस में काफ़ी सारे ऐसे बच्चों का नाम है जो जिन्होंने ई डोजर ही फिल नहीं किया था। तो आप अपना टाइम से ई डोजर फिल करें, ई डोजर की जो डेट है उसको ध्यान रखें। तो उन बच्चों को कांग्रेचुलेशंस जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनको ई डोजर फिल करने के लिए सेलेक्ट किया गया है। साथ ही एक रिजेक्शन नोटिस भी आया है एमसीडी का। इसमें क्या हुआ है कि कैटेगरी वाइज रिजेक्शन नोटिस है ये। जैसे यूआर कैटेगरी में 5 कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो ई डोजर थे वो अपलोड नहीं किए थे, ठीक है। साथ ही ओबीसी कैटेगरी में भी 10 कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया है। इनका भी सेम रीज़न है कि ई डोजर ये लोग फिल नहीं कर पाए जो टाइम दिया गया था इनको। साथ ही ये देखिए, एसटी कैटेगरी में 10 कैंडिडेट्स एसटी कैटेगरी के हैं, ओएच का एक कैंडिडेट है। तो ये जो कैंडिडेट हैं ये गिवन टाइम में अपना ईडोजर फिल नहीं कर पाए, इसलिए इनका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें, जितने भी 780 जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनको ईडोजर फिल करने के लिए सेलेक्ट किया गया है, वो टाइम से अपना ईडोजर भरें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।